सब कुछ टेबल पे मुझे मिलना है। यहाँ से अपनी खाने की इकलौती गवाह मैं हूँ। अल्लाह ताला को क्यामत के दिन मैंने अकेले जाके मुंह दिखाना है। कोई शहजादा आएगा वो आके मेरे ख्वाब पूरे करेगा। कि अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो फिर आप किस तरह मतलब कनाडा आ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग वुमेन ने जो है वो मुझे रेस किया, उनका एहसान है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे इस तरह प्रदेश में आकर संभाल लिया। एज अ गर्ल जा रही हूँ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और इस तरह फिर मैं आर्मी बन गई, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा मेरे से पूछा गया कि कनाडा की आपको सबसे अच्छी बात अभी तक क्या लगी है, आप स्कॉलरशिप पे गई हैं या नहीं। तो देखिए, मैंने एंट्री टेस्ट की तैयारी की हुई थी। का क्या रिएक्शन था जब मैं कनाडा आई? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज फाइनली मैं बनाने लगी हूँ क्यू एंड ए वीडियो, जो कि मोस्ट रिक्वेस्टेड थी। तो जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, मैंने तकरीबन 900 कमेंट्स थे और मैक्सिमम को स्क्रॉल किया, और एक पेज जो है ना जो सबसे ज़्यादा कॉमन थे, उन क्वेश्चंस का मैंने बना के जो है ना अपने पास रख लिया है। तो वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे उनको मिला के मैं एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम मलाइका है और मैं पाकिस्तान में सरगोधा से हूँ, और मैं कनाडा अपनी हायर स्टडीज़ के लिए आई हूँ। मैं यहाँ पे बैचलर्स करने लगी हूँ बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। ये एक कोऑप डिग्री है और मेरे घर के पास एक बहुत प्यारा पार्क है जहाँ पे मैं क्यू एंड ए वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए आई हूँ। और मौसम ना मुझे बहुत शदीद खराब लग रहा है इस टाइम में, तो बस मैंने जल्दी जल्दी ब्लॉग बनाना है और जल्दी जल्दी घर जाना है। लेकिन आज ना गाइज मैं अम्ब्रेला लेके आई, अम्ब्रेला बेड पे रह गई गाइज। चले कोई नहीं, जल्दी जल्दी मैं करती हूँ फिर जाती हूँ घर, ठीक है ना। सबसे पहले मुझे कहा हुआ है आइट्स प्रिपरेशन के ऊपर वीडियो बना दें। तो देखिए, आइट्स के ऊपर अगर आप लोगों को ज्यादा जरूरी वीडियोस हैं जो आप लोगों को चाहिए, तो यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करें आइट्स लर्निंग, आइट्स रीडिंग, आइट्स राइटिंग, आइट्स स्पीकिंग। बहुत अच्छी और डिटेल वीडियोज आप लोगों को मिल जाएंगी। ऑनलाइन बहुत ज्यादा अच्छे कोर्सेज वगैरह जो है वो भी हो रहे हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैं अपने भी टिप्स जो है वो सारे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह इसी वीक में करूंगी। सेकेंड क्वेश्चन है कि मैंने बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको क्यों चूज किया। तो देखिए, पाकिस्तान में मैं करने लगी थी MBBS, मैंने एंट्री टेस्ट की तैयारी की हुई थी, 2-3 अकेडमीज की बुक्स भी मंगवा कर रखी हुई थी, मुझे 2 महीने भी हो गए थे। लेकिन मुझे मामू जहांगीर ने इस फील्ड के बारे में बताया, इस तरह बाहर पढ़ने के बारे में बताया, तो फिर मुझे ये ऑप्शन बेस्ट लगी और मैंने इसको चूज कर लिया। बिल्कुल मुश्किल है, what's your name? Amani. Amani, okay. Nice to meet you, Amani. Yeah. What is your name? My name? My name is Malaika. Malaika? Yes. Careful. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैंने बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको क्यों चूज किया। तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि कनाडा में, USA में, इंग्लैंड में, मिडिल ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, बेसिकली बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ना रिसर्च की जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है ना। पाकिस्तान में अभी ये फील्ड जो है वो एडवांस हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। मुझे मेरी कज़न है जो डॉक्टर बन गई, उन्होंने भी कहा कि बायोटेक बहुत अच्छी ऑप्शन है। जो यहाँ कनाडा में रहती हैं हमारी कज़न, जिनके घर में मतलब स्टे किया था, उन्होंने भी कहा कि वो खुद भी डॉक्टर बनी है अमेरिका से, उन्होंने भी कहा कि ये एक अच्छी फील्ड है, तो मैंने इसको चूज़ कर लिया। इसके अलावा फार्माकोलॉजी भी मुझे एक अच्छी फील्ड लगती है, जो इसकी स्कोप यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। साइकोलॉजी के बारे में मैंने इतनी रिसर्च नहीं की है। देखें, आप लोगों ने जो भी फील्ड देखनी है ना, आप लोग सिंपल जाके गूगल पे सर्च करें कि एवरेज सैलरी ऑफ फार्माकोलॉजिस्ट इन कनाडा। अगर सैलरी पैकेजेस हायर हैं, जैसे 70,000, 90,000, 1 लाख डॉलर पर ईयर के हिसाब से हैं, तो फिर आप लोग उस फील्ड को चूज कर लें। अगर इससे थोड़े से कम है तो एक दफ़ा देख लें, कोई और आप लोगों को अच्छी ऑप्शन जो है वो मिल जाएगी। वैसे मैंने पहले MRI में डिप्लोमा करने का सोचा था, लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि डिप्लोमा करके वो जॉब नहीं मिलती है जो आपको डिग्री करके मिलती है, और डिप्लोमे की वो वैल्यू भी नहीं होती। तो इसलिए मैंने डिप्लोमा नहीं चूज किया, मैंने डिग्री चूज की। और सबसे पहले अगर आप लोगों ने जो भी डिग्री चूज करनी है उसमें ये जरूर देखें कि उसमें कोऑप प्रोग्राम हो। कोऑप होता है वर्क टर्म विद इन योर स्टडीज। जैसे अभी आपकी स्टडीज है ना, तो इसी में ही आपको 4 मंथ्स का कोऑप होता है, पेड होता है। आपको कोई कंपनी जो है वो हायर कर लेती है, और फिर उस कंपनी के साथ आप अगर अच्छा काम करते हैं तो डिग्री कंप्लीट करके उसी कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। एक दफा सर्च करना है कि इसकी स्कोप क्या है, सैलरी क्या है, साथ में कोऑप है या नहीं है। थर्ड जो सबसे ज्यादा पूछने का क्वेश्चन था कि आप स्कॉलरशिप पे गई हैं या नहीं। तो देखिए, मेरी कल भी पाकिस्तानी स्टूडेंट से बात हो रही थी, मैंने बच्चों से पूछा कि आप लोगों में से कोई स्कॉलरशिप पे आया हुआ है। उन्होंने कहा कि नहीं, स्कॉलरशिप कनाडा नहीं देता, देता भी है तो बहुत कम देता है। कि जैसे पूरी दुनिया में 5 बच्चों को दे दी, या पूरे मुझे नहीं पता उसका क्या क्राइटेरिया था, मैंने देखी थी। और ज्यादा से ज्यादा मिलती भी है तो $1,000 की, $2,000 की। रेडियोलॉजी की भी बहुत स्कोप है, MRI की भी बहुत स्कोप है यहाँ पे, लेकिन मुझे इसमें कोई अच्छी डिग्री नहीं मिली, सिर्फ डिप्लोमा जो है ना वही मिले थे। पहले हम पढ़ाई की बातें करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आप लोगों ने मेरे से क्यों ने पूछा ना, वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगी। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी का था, इसकी भी बहुत ज्यादा अच्छी स्कोप है। यहाँ पे बहुत लोग साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पता हो, एक बहुत बड़े इंडियन यूट्यूबर है,
पारुल टीवी, उन्होंने साइबर सिक्योरिटी की थी कनाडा से आकर, अब माशाल्लाह वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, तो आप उनकी जाकर जर्नी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट टाइम जॉब के हवाले से, तो कनाडा में आपको एज अ स्टूडेंट वीकली जो है ना 20 आवर्स अलाउ होते हैं कि आप सिर्फ 20 घंटे एक हफ्ते में काम कर सकते हैं, और फिर आपको जो है ना स्टार्ट में मिनिमम वेज दी जाती है, हर प्रोविंस की अलग अलग वेज होती है, कि जैसे एक घंटे का $15.60 है आई गेस लंदन ओंटेरियो का, फिर टोरंटो का थोड़ा ज्यादा हो सकता है, इसके अलावा मुझे नहीं पता। तकरीबन एट द एंड ऑफ मंथ टैक्सेस वगैरह काट के आई गेस 1200 से 1300 डॉलर्स जिस सिटी में मैं रहती हूँ वहां पे बन जाते होंगे। अभी मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट नहीं की है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं करूँ। और इसके अलावा अगर आप ऑन कैंपस अगर आपको जॉब मिल जाती है कि आपके कॉलेज में आपको जॉब मिल गई है, तो वो अनलिमिटेड आवर्स होते हैं, आपकी मर्जी है आपने जितने भी आवर्स है वो काम करना है। पार्ट टाइम जॉब करके आप अपने आप को मंथली तो खर्चा सारा निकाल सकते हैं, फीस इकट्ठी करना थोड़ी मुश्किल होता है, तो उसके लिए ना ऐसे होता है कि 4 मंथ्स की स्टडीज होती है, फिर 4 मंथ्स की स्टडीज होती है, 4 मंथ का गैप आता है, तो जब आपका समर ब्रेक चलता है ना स्टूडेंट्स का, तो उन 4 मंथ्स में ना आप लोग फुल टाइम काम करके अपनी फीस जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, बच्चे यहाँ पे ज्यादातर जो है वो फर्स्ट ईयर के पेरेंट्स देते हैं, और आगे से बच्चे खुद करते हैं। इसके अलावा मेरे से पूछा गया कि आप फील्ड जॉब करेंगे या पाकिस्तान वापस आएंगे, तो देखिए ऑनेस्टली फ्यूचर किसी ने भी नहीं देखा। मैंने जो आज से 4 साल पहले ये भी नहीं पता था कि मैं मतलब कनाडा आऊंगी, तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं पढ़ाई करके पाकिस्तान जाऊंगी या यहाँ पे ही जॉब करूंगी या कहीं मतलब क्या करूंगी, कुछ मुझे नहीं पता। एक और क्वेश्चन था कि आप शादी करेंगी, तो उसका आंसर भी एक और कमेंट नहीं दिया हुआ था, तो आप लोग वो जाके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लोग कितने फ्रेंडली हैं, दिस इज द बेस्ट थिंग। अच्छा, इसके अलावा मेरे से पूछा गया कि कनाडा की आपको सबसे अच्छी बात अभी तक क्या लगी है, तो ऑनेस्टली मुझे कनाडा में सबसे अच्छी बात ये लगी है कि मैं एज अ गर्ल बहुत ज़्यादा सेफ हूँ, यहाँ पे लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, माहौल बहुत अच्छा है, माहौल इंसान के अंदर ही होता है। या एज अ गर्ल अगर आप रात को 9 बजे भी घर जा रहे हो ना, तो आपको कोई नहीं देखेगा, कोई आपको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। ठीक है ना, तो ये सबसे बेस्ट बात है जो मुझे लगी है सबसे ज़्यादा। ये काका फिर आ गया, तो ये सबसे वर्स्ट ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मेरा लैपटॉप बहुत एक्सपेंसिव बना। मुझे कह रहे थे कि आप पाकिस्तान से क्यों नहीं लेकर आई, तो देखिए वोल्टेज का बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, मैं मोबाइल लेकर आई हूँ, मेरा मोबाइल मतलब 1 घंटे में ड्रेन हो रहा है। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान में मेरा पूरा पूरा दिन निकाल जाता था, मेरे पास हर टाइम आप ब्लॉग में देखते होंगे पावर बैंक होता है। फिर एक और क्वेश्चन था कि आईपैड क्यों नहीं लिया, तो मैं वैसे लेने आईपैड लगी थी, तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा सहर, वो यहाँ पे एमडी कैट कर रही है, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए आपकी स्टडीज में आपके काम आईपैड नहीं आना है, आपको आगे कुछ अर्सा तो काम आ जाएगा, फिर आपने बहुत ज्यादा टाइपिंग करनी है, टेस्ट करने हैं, तो आईपैड बंदा नहीं कैरी कर सकता। लैपटॉप थोड़ा मुश्किल होता है कैरी करना, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता। बैग मैंने रोज लेके जाना है, बस बैग में लैपटॉप डालें और कॉलेज चले जाएं। ठीक है, इसके अलावा एक था कि अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो फिर आप किस तरह मतलब कनाडा आ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें, तो देखिए मैं भी मिडिल क्लास से ही हूँ, मेरे मामा पापा ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, फीस हमारे ऐसे नहीं था कि बैंक अकाउंट भरे हुए और फीस हमने ऐसे भर दी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, फीस हमने जिस तरह भरी है मेरे पेरेंट्स ने, वो मैं जानती हूँ, वो मेरे पेरेंट्स जानते हैं। ठीक है ना, और इंशाल्लाह इतनी मेहनत करनी है कि फिर सारा कुछ जन के ख्वाब वगैरह मैंने पूरे करने हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मतलब होता है कि आपको कुछ सेल करना पड़ जाता है, आप किसी तरह मतलब लोन लेके भी आ सकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह सब कुछ सेट हो ही जाएगा। अब आप लोग देखें कि सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, तो जाहिर है कुछ है बात ना कि लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी तरफ से तो हर एक को बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है कि आप लोग जरूर यहाँ से आकर पढ़ाई करें, बेशक जाकर पाकिस्तान में जॉब कर लें, अच्छी बात है, सिर्फ पाकिस्तान भी जो है वो बहुत ज्यादा आगे जाएगा। अब जो है हम जो वैसे सवाल आते हैं वो कर लेते हैं, तो आप कनाडा में आके सबसे ज्यादा क्या मिस कर रही हैं? कनाडा में आके मैं सबसे ज्यादा ये लोग मिस कर रही हूँ, और इसके अलावा मैं सबसे ज्यादा माना मिस कर रही हूँ, फिर मैं अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, अपना घर मिस कर रही हूँ। जाहिर है यही चीजें होती हैं जिनको बंदा मिस करता रहता है। कि ऑथेंटिक वेबसाइट बता दें, तो जी ये मैं वेबसाइट लिख रही हूँ, ये वेबसाइट है, आप लोग जाकर इस पे सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, एवरीथिंग इज लिस्टेड देयर। ठीक है, रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था जब मैं कनाडा आई जब मैंने सबको बताया हमारी बर्थडे का, जब मैंने केक कट किया था जो व्लॉग भी है, तो उसके बाद हमने सब खानदान वालों को बताया, सबके बहुत मिक्स्ड रिएक्शन थे, कोई परेशान था, कोई खुश था, कोई चुप था, कुछ लोग ऐसे थे, यू कैन अंडरस्टैंड। तो फिर वो जो है ना, फिर जो नानाबू बहुत ज्यादा रोए थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन नानाबू बहुत ज्यादा खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। नानाबू की मुझे बहुत ज्यादा कैसी बारिश हो रही है, मुझे बहुत प्यार किया कि कैसे करोगी, सारा कुछ इंशाल्लाह हो जाएगा। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि एज अ गर्ल जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है,
तो मेरे पेरेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरबियत ऐसी की है, मेरी अपनी सोच ऐसी है, मैं इतनी ज़्यादा मैं खुद कह सकती हूँ कि मेंटली स्ट्रांग हूँ कि मैंने ये स्टेप जब मुझे बात की गई थी तो मैंने उठा लिया था। मुझे पता था कि मुश्किल है सफ़र, लेकिन इंशाल्लाह कदम कदम बढ़ाते ही सब कुछ हो जाएगा। एक और कमेंट आया हुआ है कि आप लोग, आपको क्रिटिसिज्म का आपने कैसे सामना किया लोगों की बातों का। तो देखिए, मैं एक ऐसी बंदी हूँ जिसको बिल्कुल भी लोगों की बातों की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतने लोगों का प्यार है। मैं यहाँ पर आई हूँ, हर मोड़ पे मुझे अच्छे लोग मिले हैं जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। मैं एयरपोर्ट पर आई तो आंटी अंकल मुझे लेने आए हुए थे, आगे बाजी हुमा से मैं मिली, आगे जो घर की ऑनर है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप अच्छा करें ना तो आप लोगों को अच्छे ही लोग मिलते हैं। फिर ये जो दो चार बुरे लोग होते हैं, जो दो चार आपके हेटर्स होते हैं, जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो आपसे जेलस होते हैं, उनकी आपको कोई परवाह नहीं होती और करनी भी नहीं चाहिए। देखिए, मुझे लोगों की ज़रा परवाह नहीं है, मुझे लोगों की बातों की ज़रा परवाह नहीं है। मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे साथ मेरा रब है, मेरे साथ आप लोग हैं, बस दैट्स इट। आई डोंट नीड एनी बडी एल्स, ठीक है ना। मतलब मैं ये कहूँ कि नहीं, मैं कहूँगी कि मैं एज अ गर्ल जा रही हूँ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों की अगर मुझे बातों की इतनी ज़्यादा परवाह होती ना तो मैं कभी भी इतना बड़ा स्टेप लेकर यहाँ पर ना आती। मैंने कुछ अर्सा बड़ा परवाह की, अपने आप को क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन अब जब से BTS को स्टैंड करना शुरू किया तो आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। सबसे पहले मुझे सिर्फ अपने माँ बाप की परवाह है, अपने अल्लाह की परवाह है, अपने बहन भाइयों की परवाह है, दैट्स इट, और दो चार और लोगों की, और दैट्स इट, ठीक है ना, दैट्स इनफ। होम एंड रूम टूर, तो होम जो है यार, देखिए एक फैमिली रह रही है तो मैं इसे होम टूर तो नहीं डाल सकती, मुझे लगता है कि प्राइवेसी इन्वेड होती है, लेकिन रूम टूर मैं डालूंगी। थोड़ा सा मुझे सेट करने दें, ऑर्गेनाइजर्स आने दें, अभी तक नहीं आए, मैंने ऑनलाइन कब के ऑर्डर किए हुए हैं तो वो आ जाएंगे, तो फिर मैं आप लोगों के साथ रूम टूर जो है वो शेयर करूंगी। पाकिस्तान कब आऊंगी, देखें जब अल्लाह ताला ने चाहा तब आऊंगी, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं कब आऊंगी। टाइम मैनेजमेंट तो देखिए, मैं इसीलिए कुछ दिन पहले आ गई थी ताकि हर चीज़ का मुझे पता चल जाए, ताकि मैं आराम से अपनी टाइमली ग्रोसरीज कर ली है, मैंने अपना कमरा सेट कर लिया, अभी मेरी ओरिएंटेशन हो रही है तो मैं अपना शेड्यूल भी सेट कर रही हूँ। फिर आगे जब पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी तो एक दफा मुझे टफ लगेगा, पहले 2-6 महीने टफ लगेंगे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने आप को इतना टाइम दूंगी, मैं अपने आप का ख्याल रखूंगी कि बस लाइका स्ट्रगल है लेकिन तुम कर लोगी, तो फिर इंशाल्लाह टाइम मैनेज हो ही जाता है। खाना मैं इस तरह के 2 दिन बाद बनाती हूँ, क्योंकि मैं एक अकेली बंदी हूँ, मैं इतना खाती ही नहीं हूँ, सीधी जो बात है, पता नहीं मैं ना कि यहाँ पे खाना बहुत कम कर दिया है। सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, बाहर से चाय ले लेती हूँ, ज़्यादातर घर पर बना लेती हूँ, और फिर रात को आके शाम को आके एक टाइम का खाना बना दिया। ऊपर से मेरी जो घर की ऑनर है वो इतनी अच्छी है कि वो खाना बना के जाती हैं, मेरे लिए रोटियाँ रख के जाती हैं, तो ये एक बहुत मैटर करता है कि आप जो घर पर आ रहे हो ना, कि आप जिनके साथ रह रहे हो ना, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा। और बाकी आगे किचन जो है वो शेयरिंग में है, जाहिर है एक पूरा घर होता है, आपको एक कमरा ही मिलता है। मैं इतना तो हूँ नहीं कि मैं एक $3,000-4,000 का अपार्टमेंट लेके बैठ रही हूँ, इतना तो गाइस होता ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं, मुझे बाजी ने कहा है कि आपने इस टाइम कुकिंग करनी है, इस टाइम नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जब दिल करता है मैं जाके खा लेती हूँ, बना लेती हूँ, जो चीज़ दिल करता है मैं उनकी ले लेती हूँ, वो मुझे दे देती हैं, मैं उनको शेयर करा देती हूँ। मतलब मिलजुल के हमने सारा घर जो है ना वो चलाया ही हुआ है, ठीक है ना। इवन जैसे मैं रात को मैं लॉन्ड्री रख के गई थी, ड्रायर मैंने नहीं किया था, तो मैं आई हूँ, मेरे कपड़े ड्राई हुए हुए थे। सर्दी अभी तक तो नहीं हुई लेकिन मुझे लग रही है, अभी मैं जैकेट पहन के फिर रही हूँ, लोगों ने सिंपल टी शर्ट्स जो है वो पहनी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता सर्दी शुरू होगी और फिर मुझे लग पता जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक स्नो नहीं देखी है, वो हम इंटरलैंड गए थे, वो तो थोड़ी पता फेक स्नो थी, आई डोंट नो, लेकिन आज तक जो एक रियल स्नो होती है ना, कि एक स्नो फॉल हो, वो मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा, तो वो मैं भी देखूंगी। एडिटिंग जो है वो मैं VN ऐप से करती हूँ, ठीक है ना, अच्छा ऐप है। और म्यूजिक जो है वो ड्रीमर्स है, कॉपीराइट फ्री सॉन्ग है, ठीक है ये। और बाकी स्टार मेरा जो है वो कैंसर है। पर मंथ सैलरी अभी तक देखे, मैं कोई काम कर नहीं रही तो मेरी ऐसी कोई पर मंथ सैलरी नहीं है अभी तक, मुझे मामा पापा जो है वही सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे है कि आप इतनी ब्रेव कैसे हैं। अच्छा गाइज, ये आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा ब्रेव हूँ, मैं मम्मा के साथ वीडियो कॉल पर कभी कभी रो पड़ती हूँ कि मम्मा मैं आप लोगों को मिस कर रही हूँ। अब मुझे कोई ये क्रिटिसाइज ना करेगा अगर तुमने इतना ही रोना था तो तुम वहां क्यों चली गई। तो देखें, आप लोग जब मेरे शूज में चलेंगे तो तब आप लोगों को पता चलेगा। मेरा अपना ही फैसला है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का करोड़ बार शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने, मैं इस काबिल नहीं थी लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने मुझे ये दिया। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे, जब आप अपने कमरे में जाते हो, आपके बहन भाई नहीं होते, आपके माँ बाप नहीं होते, आपको बहुत ज्यादा फील होता है। आपको घर की याद आती है, आपको माँ बाप याद आते हैं, आपको बहन भाई याद आते हैं। अरुषा और मेरा ऐसा बॉन्ड था ना कि हम एक जिसम दो जाने थे, हाँ मैं और अरुषा, हम इतने क्लोज थे। मेंटली उसने भी बहुत फाइट किया 2 हफ्ता। वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता अपने इमोशंस पे काबू पाना, लेकिन मैं अपने आपको डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। कभी मैं BTS की कोई वीडियोज लगा लेती हूँ, कभी मैं कोई पॉडकास्ट है वो सुन लेती हूँ, कभी, और ज्यादातर तो गाइस मैं सो जाती हूँ। मैं फ्राइडे को भी रात को 11 बजे सो गई थी और सुबह 12 बजे उठी। मैं कल रात को सैटरडे को फंक्शन से आते 7 सो गई थी और मैं दोपहर रात को सुबह 3 बजे उठी हूँ। व्लॉग अपलोड किया मैंने
सुबह 7 बजे से 9 बजे तक और फिर मैं सो गई थी। तो मतलब मैं ज्यादातर सो जाती हूँ, मुझे पता है कि थोड़ा सा मतलब मुश्किल है अभी, लेकिन आंटी अंकल ने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। मतलब जब मैं एयरपोर्ट से आई बिल्कुल मुझे पेरेंट्स की तरह ही ट्रीट किया, मुझे पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं होने दी, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। नानाबू की उनसे बात हुई तो नानाबू कहते हैं आपने एहसान किया हमारी बेटी पे, आपने हमारी बेटी को रखा, खालसा ने भी कहा। तो मतलब ये एक उनका एहसान है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे इस तरह प्रदेश में आकर संभाल लिया। लेकिन जब मैं यहाँ पर आ गई, जब मैं अकेली हो गई, तो वो था काफी ज्यादा, जब मैं रो पड़ी थी व्लॉग में वो टफ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मैं अब मेंटली इस चीज को काबू कर रही हूँ कि इट इज व्हाट इट इज, यू हैव टू डू दिस। अभी तो मैं इवन कॉलेज जाते हुए एक्साइटेड होती हूँ कि चलो कोई तो होगा, कोई दोस्त मिलेंगे, कोई फ्रेंड्स मिलेंगे, कोई बात होगी। 4-5 बच्चे हैं जिनसे हेलो हाय हो गई, हमने नंबर्स एक्सचेंज किए अपने, मतलब एक्सचेंज किया कि कौन कहाँ से, ज्यादातर रशिया से है। मेरी क्लास में कोई भी मतलब ऐसे, जब मैं यहाँ पर आई तो कहते बहुत ज्यादा इंडियंस होंगे, सिक्स होंगे, ये होगा वो होगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अपना बंदा उर्दू हिंदी में बात कर लेगा। लेकिन यहाँ पे सारे मेरी क्लास में गोरे पढ़ते हैं, चाइना से पढ़ते हैं, 3 कोरियंस हैं, रशियंस हैं, तो फिर मेरी क्लास में सिर्फ एक इंडियन है और वो भी फिर मतलब बहुत दूर मतलब बैठती होती हैं। तो फिर मैंने कहा कि यार मुझे सिर्फ इंग्लिश में बात करनी पड़ती, यहाँ पे आके ना सारा दिन कॉलेज में मैं इंग्लिश में बात करती हूँ, तो कभी कभी मुझे लगता है मुझे उर्दू याद है ना मतलब कुछ भी, तो वो एक है। और मुझे कहते हैं व्लॉग आप इंग्लिश में बनाएं, क्यों भाई, मुझे सारे देखने वाले उर्दू में, मैं किस चीज़ की इंग्लिश झाड़ू, जरा नहीं मुझे अच्छा लगता। आपकी अपनी जो लैंग्वेज है आप अपने लैंग्वेज में अपने लोगों से बात करें, गोरे रह गए हैं। अच्छा जी, फिर आप कहते हो कि आपको डर नहीं लगता अकेले, गाइज ऑनेस्टली डर लगता है, लेकिन मुझे ये पता होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात है मेरे साथ। एक और क्वेश्चन था कि आप इतनी स्ट्रांग कैसे हैं और आप अपने आप को राइट ट्रैक पे मेंटेन कैसे रखते हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका क्रेडिट जाता है मेरे माँ बाप को, स्पेशली मेरी मम्मा को, क्योंकि उन्होंने तरबियत ही मेरी ऐसी की है। उन्होंने हमेशा से ही मुझे एक स्ट्रांग इंडिपेंडेंट लड़की बनने का सबक दिया कि तुमने इंडिपेंडेंट बनना है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना कि बस ठीक है इतनी सी डिग्री की, नॉर्मल सी पढ़ाई की, शादी कर ली, हस्बैंड पर डिपेंडेंट हो गया, नेवर। तो मेरी हमेशा से थी एक बहुत ही स्ट्रांग वुमेन ने जो है वो मुझे रेस किया, एक बहुत ही स्ट्रांग जो है वो मैन ने मुझे रेस किया। तो उन दोनों का हमेशा से यही था कि बेटे इंडिपेंडेंट होना है, अपने काम खुद पूरे करने हैं, ये नहीं कि कोई शहजादा आएगा वो आके मेरे ख्वाब पूरे करेगा, कोई प्रिंस आएगा और वो मुझे बचा लेगा और सारा कुछ करेगा, मुझे ये लेके देगा वो लेके देगा, नहीं, आप खुद इस काबिल बनो, आप खुद इस तरह बनो। तो फिर जो है मेरी ये वाली सीन है। और बाकी दूसरी बात यह कि डिस्ट्रेक्शन से देखिए मुझे हर वक्त पता है कि अल्लाह की ज़ात मुझे देख रही है। कुछ लोगों ने कहा कि अकेली जा रही है, अंग्रेजों के माहौल में है, ये है वो है, वहाँ पे बच्चे सारे काम, दिस जो भी कहा, तो मैंने कहा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, अपनी कहानी की इकलौती गवाह मैं हूँ, अल्लाह ताला को क़यामत के दिन मैंने अकेले जाके मुंह दिखाना है, उस वक्त मेरे साथ कोई भी नहीं होगा, अपनी नज़र में है, अपनी हर चीज़ में है, मुझे पता है कि क्या सीन है, मुझे पता है कि मैं किस तरह लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, मेरे इंटेंशंस क्या है, मैंने अपने आप को किस तरह शैतान से बचा के रखा हुआ है, सारा कुछ मुझे पता है। तो इसके बाद क्वेश्चन था कि व्हाट आर यू मोस्ट थैंकफुल अबाउट, तो आई एम मोस्ट थैंकफुल अबाउट माई पेरेंट्स के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं हर मामले में, मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। और फिर सेकेंडली आई एम मोस्ट थैंकफुल अबाउट माई सिबलिंग्स के, मेरे बहन भाई भी बहुत अच्छे हैं, और आई एम मोस्ट थैंकफुल अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, और मैं चाहती हूँ कि और भी बच्चे आए मेरी तरह इसको अवेल करें। मुझे पता है जिनके अभी एंट्री टेस्ट हुआ है, अगर एंट्री टेस्ट नहीं अच्छा हुआ तो अल्लाह ताला अगर आपने दूसरी ट्राई देनी है तो आप दे दें, वरना अल्लाह खैर करे और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं अगर आप लोग एक्सप्लोर करें। मैंने भी यही किया था, दूसरी ट्राई थी मेरे माइंड में, लेकिन और भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, SCCA की बहुत स्कोप है, फार्माकोलॉजी की, साइकोलॉजी की, इन चीज़ों की भी बहुत स्कोप है, आप लोग किसी और फील्ड में चले जाएं, इंजीनियरिंग की इतनी स्कोप है, कंप्यूटर साइंस की इतनी स्कोप है, प्रोग्रामिंग की इतनी स्कोप है, डाटा साइंटिस्ट की इतनी स्कोप है। हुमाबाजी से आपको मिलके कैसा लगा, मुझे हुमाबाजी से मिलके बहुत अच्छा लगा, मैं तो इमोशनल हो गई थी कि माशाल्लाह वो इतनी नाइस थी, उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा, और बाकी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, और हमारी कांटेक्ट हर वक्त जो है वो होता रहता है। इसके अलावा पहली दफ़ा आपने अलोन ट्रैवल किया, हाँ जी मैं पहली दफ़ा मैंने बिल्कुल अकेले ट्रैवल किया था, जो फर्स्ट मेरी फ्लाइट थी उसमें तो मेरे होश ही उड़े हुए थे, फिर एयरपोर्ट पर मैं बैठी रही, कुछ बच्चों से मेरी बात हुई, और फिर कैनेडा वाली फ्लाइट मेरी जिंदगी की सबसे ज़्यादा टफ फ्लाइट थी। एयरलाइन बहुत अच्छी थी, ख्याल बहुत अच्छा रखा गया था, लेकिन जो इमोशंस थे, जो मेरी फीलिंग्स थी, जब मैं देख रही थी कि मैं अपने माँ बाप से कितना दूर हूँ, वो बहुत टफ था। लेकिन फिर जब मैं ऐसे कनाडा का मैंने देखा, मेरी फर्स्ट नज़र पड़ी, इतने घर ऐसे, गाड़ियाँ ऐसे, सब कुछ मेरे सारा जैसे ना एक घाम होता है वो उड़ गया कि यार माशाल्लाह 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 एवरीथिंग इज़ सो गुड हेयर। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आंटी अंकल भी आ गए, तो फिर काफ़ी एडजस्टमेंट हो गई, बहुत ख्याल रखा उन्होंने। और ये मेरे पापा के जो है ना वो मतलब आप कह लें कि कज़न ब्रदर्स हैं, तो फिर इस तरह से हमारा ये रिलेशनशिप है, और फिर उन्होंने मेरा ख्याल रखा, तो फिर इस तरह होकर आहिस्ता आहिस्ता मैं सेट हो गई, यहाँ बच्चों से बात की, हर एक की स्ट्रगल देखी, तो फिर मैंने कह लिया अपने आप को इट इज व्हाट इट इज, यू हैव टू डू दिस। ठीक है, अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसके ऊपर मैं एक जल्द रील डालूंगी, आप लोग वो देखिएगा कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। थैंक यू सो मच, इतने आप लोगों के अच्छे कमेंट्स होते हैं कि मैं पढ़ के खुश हो जाती हूँ। मुझे पता है कि एक अकेली लड़की का स्ट्रगल करना इतना मुश्किल है, लेकिन आपको एक बात बताऊं,
हो रहा है, मैनेज हो रहा है, आप उठ जाते हो, आपने अपना ही ख्याल रखना है, कपड़े आपने धोने नहीं होते, लॉन्ड्री करनी होती है, वो भी हो जाता है, पार्ट टाइम जॉब लग जाए तो खर्चा भी उठ जाता है, पढ़ाई भी इधर बहुत मतलब ऐसे मैनेज करके स्लोली स्लोली रखी हुई है कि पढ़ाई का भी इजीली आपका सारा काम हो जाएगा, घर का काम भी हो जाएगा, माँ बाप से फोन पे वीडियो कॉल पे काफी हद तक उदासी जो है वो भी उतर जाती है। तो देखिए हो रहा है इंशाल्लाह, एंड पे वर्थ इट होगा। तो अगर आप लोग ये कह रहे हैं ना कि आप सब कुछ अकेले कैसे करेंगे, तो आप लोग देखें, आप लोगों को यहाँ पे आके पता चलेगा कि आप लोग इतना कुछ करने के काबिल हैं और आप कर सकते हैं। मैं वहां पे रहती थी, नाश्ता बाजी नूरीन ने देना है, सब कुछ टेबल पे मुझे मिलना है, यहाँ से बैठना है, घर से गाड़ी में बैठना है, आगे गाड़ी में जाना है, तो ये सब कुछ मैंने सारा टाइम गुजारा हुआ है। और यहाँ पे आके सारा कुछ खुद करना है, पानी खुद पीना है, खाना खुद बनाना है, पढ़ाई करनी है, एडिटिंग करनी है, अपलोडिंग करनी है, बस पे जाना है, पैदल जाना है बस, तो ये सब कुछ मुझे पता है कि स्ट्रगल बहुत है। मैं गाड़ी को आगे बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, पापा ने मुझे कभी वहां पे एक शॉपर नहीं उठाने दिया था और इतना भारी भारी सामान उठा उठा के मैं लेके जाती हूँ। तो लाइफ ने तो बिल्कुल मेरा 90 डिग्री टर्न लिया, लेकिन सब कुछ हो रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा, आगे भी हो जाएगा, आप लोग भी कर सकते हैं। अपना एक बस जो है ना स्ट्रांग माइंडसेट लेकर आए कि आप लोग ये कर सकते हैं, लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी है, जो आपके बिल्स पे नहीं करते हैं उनकी बातों की परवाह करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। लोग होते ही क्रिटिसाइज करने के लिए, जेलस करने के लिए, सिर्फ अपने माँ बाप की परवाह करें, अपनी परवाह करें, अपने रब की परवाह करें, दैट्स इट। किसी चौथे बंदे की बात की परवाह करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई फलाना क्या कह रहा है, ढमकाना क्या कह रहा है। आप लोगों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों को मेरे से जो प्रॉब्लम है आप लोग अपने तक रखें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे। आप लोग अपनी जिंदगी में जो कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह हरेक को कामयाबियां दे। अगर आपको मेरे से प्रॉब्लम है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं ये क्या कर रही हूँ, तो फिर वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है। समथिंग आई कैन नॉट लिव विदाउट, आई कैन नॉट लिव विदाउट माई फैमिली एट ऑल। बेस्ट थिंग अबाउट मूविंग अब्रॉड वही बात है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आई लव दिस थिंग। कॉलेज है वो भी बहुत नाइस है, प्रोफेसर्स भी बहुत नाइस है मेरे, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगी है, कॉलेज में बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, किसी स्टेप पे आपको प्रॉब्लम है आप लोगों को बता दिया जाएगा, प्रोफेसर्स भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, आपको हर लिहाज से जब वो गाइडेंस है वो मिल जाती है। आपके फेवरेट के ड्रामा कौन सा है? तो मैंने बहुत ज्यादा कोरियन ड्रामाज देख ली है, बहुत ही ज्यादा। ट्रू ब्यूटी इज माई फेवरेट, मुझे लगता है उससे ज्यादा अच्छा और सच्चा ड्रामा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ड्रीम गोल्स क्या है? सबसे बड़ा तो मेरा गोल यही है, हज और उमरा है। इसके अलावा मेरे गोल्स हैं कि मैंने अच्छी सी गाड़ी लेनी है, इंशाल्लाह सारे इंशाल्लाह प्लीज फिर लिख दे। मैंने कल वो बोला कि लैम्बोर्गिनी है, वो मस्टैंग थी, और लगे इतने कमेंट्स इंशाल्लाह के गुड गाइस गुड, इंशाल्लाह जिन्होंने कमेंट किया ना सबको गाड़ी मिलेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। और इसके अलावा गोल्स मेरे हैं कि मैंने BTS का कॉन्सर्ट भी अटेंड करना है, हेलो आर्मीज आउट देयर, और फिर मैंने और भी कॉन्सर्ट्स अटेंड करने हैं। मैंने जो है वो अपनी अम्मी टेलर स्विफ्ट का भी कॉन्सर्ट अटेंड करना है, आई लव टेलर स्विफ्ट। इसके अलावा मेरे से पूछा गया कि आप अपनी आर्मी होने की स्टोरी सुने और आपका बायस कौन है। अच्छा जी, तो मैं 99% जो हूँ वो OT7 हूँ और 1% बायस्ड हूँ वी से। और बाकी आर्मी ऐसे है कि मैं जब 9th क्लास में थी तो मुझे पता ही नहीं था कि BTS नाम का कोई ग्रुप है। मेरी एक फ्रेंड है समन, जिसको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था, उसने मुझे एक दफ़ा बताया, मैंने जाके देखा, फर्स्ट सेट में तो मुझे नहीं सही लगे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता म्यूजिक सुनता शुरू किया 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 और फिर आके 2018-19 में मैं इनके गाने सुनती रही, मुझे अच्छे लगने लग गए। जिन्होंने बटर डायनामाइट रिलीज किया तो मैंने सारे सुने, और इसके अलावा फिर जब जंगकुक ने ड्रीमर्स जो है वो गाया तो उसके बाद से मुझे लोग जो है वो अच्छे लगना शुरू हो गए। ब्लैक स्वान से मैंने इनको देखना शुरू किया, फिर मैंने करण BTS के एक एपिसोड देखी, हर चीज़ देखी, मैंने के ड्रामास देखना शुरू किया, और फिर मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल पलट गई। आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ, सबसे ज़्यादा मुझे इनको देख के पता चला कि लव योर सेल्फ का क्या मतलब होता है। कि तभी तो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मुझे लोगों की इतनी बातों की परवाह नहीं है, कि इतनी अपने आप से ही मोहब्बत हो गई है कि बस अपने ऊपर है, अपने माँ बाप के ऊपर है, दैट्स इट। और इस तरह फिर मैं आर्मी बन गई, ठीक है ना, और सारे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं हर क्लिप देखती हूँ, और जहाँ पे भी BTS का गाना लगा हो मैं मॉल में रुक जाती हूँ कि स्टोरीज लगाती हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर लें। और अभी मैं इतना तसल्ली से आराम से बैठी हूँ, जैसे घर जाके ना मैंने कमरा सेट करना है, मंडे से मेरी पढ़ाई भी स्टार्ट हो रही है, और वो मैं सोच रही हूँ कि मैंने व्लॉग क्या बनाने हैं। मुझे आ रहा था कि एक व्लॉग में खाना बनाया करें, तो मैंने अभी जाके चिकन कढ़ाई बनानी है, तो अगला व्लॉग जो है उसका आप इंतजार कीजिएगा, देख लीजिएगा कैसी बनती है चिकन कढ़ाई, क्योंकि मम्मा सो गई हैं। और बाकी इसके अलावा जो जो आपके क्वेश्चन हैं, आई होप सो कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के जो है वो आंसर कर दिए होंगे। और फेवरेट इंडियन यूट्यूबर स्ले पॉइंट, नो वन एल्स। आर यू स्केयर्ड? कभी कभी, और बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे दुआएं दी हुई थी, तो उसके लिए आप सबका थैंक यू सो मच, आप लूँगी इतनी ज़्यादा दुआओं का। लास्ट क्वेश्चन है कि जो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मेरे से पूछे गए कि मैं डॉक्टर क्यों नहीं बनी। अगर आप कनाडा में आना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो मुझे पता चला कि आपको इसलिए पहले 4 ईयर्स बैचलर्स करना पड़ता है, फिर कुछ और करना पड़ता है, फिर आप जाके मेडिकल के एग्जाम में अपीयर होकर, वो भी 4-5 साल का प्रोसेस है, तो टोटल मिला के 11-12 साल लग जाते हैं। तो बस मेरा फिर ध्यान ही नहीं गया डॉक्टर बनने की तरफ से। मैंने कहा ठीक है साइंटिस्ट बन जाऊंगी, ठीक है वो भी अच्छी ऑप्शन है, इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो बस ठीक है आगे फिर यूट्यूब इंस्टाग्राम, और मुझे
हुआ था कि यूट्यूब करनी है या पढ़ाई करनी है, मैंने कहा मैंने दोनों काम करने हैं, चाहे मेरी एंड पे जॉब भी लगी ना गाइज, मैंने जॉब के भी व्लॉग्स डालने हैं जाके, चाहे मैं इंस्टाग्राम पे रील बनाकर डालूं, मुझे एक चीज का शौक है, मेरे लिए एस्केपिज्म है, तो मैं ये काम तो जरूर करूंगी। बाकी आई होप सो कि मैंने हर क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा, अगर कोई रह गया तो मुझे उसके लिए माफी दे दे, ठीक है ना। और बाकी मुझे आया था कि आप बहुत सच्ची बंदी हैं, आप बहुत सच बोलती हैं, जो भी आपके आता है बोल देती हैं, हमें कोई दिखावा नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ये, मैं और मेरी मामा बिल्कुल ऐसे ही हैं, बिल्कुल सादे हैं, और ऐसी लोग सादगी का फायदा भी उठा जाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी सच्ची बंदी हूँ, जो मैं स्क्रीन पे हूँ वही मैं स्क्रीन के पीछे हूँ, कोई मैं ऐसा नहीं हूँ कि बस मतलब मैं कहूँ कि नहीं मैं आप लोगों के साथ कोई बना बना के बोलूँ, कोई बातें करूँ कि दिस इज ये और वो, मैं हर चीज़ बिल्कुल ऑनेस्टली अपने व्लॉग में बताती हूँ। मुझे गाड़ी का भी नहीं पता था, मैंने वो भी बोल दिया, लैपटॉप लेके मेरे होश उड़ गए, मैंने वो भी आप लोगों को बोल दिया, तो आप लोग ये देख लें कि मैं बहुत सच्चा बंदा हूँ, ये चैनल जो है ना एक सच्चा है लोगों के लिए। सेकंडली मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, जो बच्चियां देख रही हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, इवेंट पे बच्चियों की रेशियो बहुत कम थी, तो एज अ गर्ल अगर आप लोगों के पास सब सब कुछ कर सकते हैं, आप लोग आना चाहते हैं, मेरी सारी जर्नी आप लोगों के सामने है अभी तक की, आप लोग जरूर आएं, 110% आएं, मत डरें कि आप अकेली होंगी, ये होगा वो होगा, देखें जितने हम लोग ज्यादा यहाँ पर आएंगे हमारी कम्युनिटी उतनी ही स्ट्रांग होगी। तो आप अगर एज अ गर्ल आना चाहते हैं, आपको ये है कि आप सेफ नहीं हो, सिक्योर नहीं हो, माहौल ऐसा है, माहौल आपके अंदर है, आप खुद मुसलमान हैं, आपको अपने हलाल हराम हर चीज़ का पता है, तो मेरी तरफ से अपने माँ बाप का आप ट्रस्ट लेकर आते हैं, मैं खुद लेकर आई, तो आप लोग जरूर आएं, जरूर आएं, आएं यहाँ पे आके अपनी स्ट्रगल करें, अपनी जॉब करें, अपनी मेहनत करें, और जो जो आपके ख्वाब में आके आप लोग पूरे करें। तो फिर गाइज मैं मिलूंगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, इंशाल्लाह मैं थोड़ी रेगुलर अपलोडिंग करती हूँ, साथ साथ कॉलेज में मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है तो वो भी साथ साथ डालती रहूंगी। और बाकी आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी होगी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मिलूंगी मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक और भी जगह पे था कि ये कोई मैच्योरिटी की बात नहीं है कि आप अपना मुल्क छोड़ के इतनी दूर जाके बैठ जाएं, तो ठीक है मैं आई एम मैच्योर, मैं यही इसका जवाब दूंगी कि आई एम मैच्योर, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आ गई हूँ।